हेलो डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 10 के बारे में बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 10 का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। हेलो एल्केन शब्द और हेलो एरिन हेलो एल्केन को हम एलिफेटिक यौगिकों के अंतर्गत पढ़ेंगे। और हेलो एरिन यौगिकों को हम एरोमेटिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें एलिफेटिक यौगिकों के बारे में पता होना चाहिए। एलिफेटिक वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन से एक श्रृंखला में जुड़ी होती है, यानी एक खुली श्रृंखला में जुड़ी होती है। यानी एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक एलिफेटिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परस्पर खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं जैसे कि एग्जांपल सी। इस प्रकार इनमें उपस्थित सभी कार्बन एक खुली श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार हेलोएरिन को एरोमेटिक यौगिकों के अंतर्गत रखा जाता है। एरोमेटिक यौगिक बेंजीन तथा बेंजीन के समान यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे बेंजीन सूत्र C6H6 होगा, तो बेंजीन और बेंजीन के समान संरचना वाले यौगिक जो है एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे। इस प्रकार हेलो एरिन को हम एरोमेटिक के अंतर्गत पढ़ते हैं तथा हेलो एल्केन को हम एलिफेटिक यौगिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। बेंजीन ये हो गए हमारे बेंजीन और अणुसूत्र C6H6
और जैसे क्लोरोपेंजीन Cl और C6H5Cl, ये बेंजीन हो गए हमारी और ये क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार ये सभी एरोमेटिक यौगिक होते हैं जो बेंजीन या बेंजीन के समान संरचना रखते हैं तथा एलिफैटिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन एक खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं, परस्पर खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं। इस प्रकार हेलो एल्केन हैलोजन प्लस एल्केन या एल्केन प्लस हैलोजन, हेलो एल्केन कहलाते हैं, अर्थात वे कार्बनिक यौगिक। हेलो एल्केन की डेफिनेशन, एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड भी कह देंगे हम साधारण नाम में, एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। हेलो एल्केन एलिफैटिक यौगिक होते हैं का सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है और इन्हें RX से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार एल्केनों के एक या अधिक हाइड्रोजन को एक या अधिक हाइड्रोजन के हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन के फलस्वरूप हमें हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। इनका सामान्य सूत्र आर एक्स होता है। आर एक्स को हम सिंपल नेम में साधारण नाम और इस तरफ हम इसका आईपीसी नाम साधारण नाम में से हम आरएक्स को एल्किल हैलाइड कहेंगे। और आईपीसी नाम में हेलो एल्केन। इस प्रकार एल्किल हैलाइड तथा हेलो एल्के एक ही यौगिक के दो नाम, एक साधारण नाम और एक आईयूपीएसी नाम है, इसे हम कहेंगे हेलो एल्केन और इसे आईयूपीएसी नाम में हेलो एल्केन कहेंगे और इसे साधारण नाम में हम एल्किल हैलाइड कहेंगे। एल्किल की जगह हम कोई भी एल्किल यूज करेंगे, अर्थात जैसे कि मैथिल, इसे हम आर से शो करते हैं, हैलाइड को हम एक्स से शो करते हैं। तो आर की जगह मैथिल, आर के स्थान पर मैथिल C2H5 ethyl कुछ भी यूज कर सकते हैं हम एल्किल समूह, आर की जगह पर मैथिल एथिल और इस एक्स की जगह हम FClBri साधारण नाम में हम इसे फ्लोराइड
क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार हेलोजन को यानी एक्सेसो करते हैं और आईयूपीएसी नाम में एक्सुई यानी हेलोजन के लिए हम FCL BRI इसे याद रखने के लिए फिर कल बाहर आई हेलोजन परिवार है तो इसमें इसके लिए हम फ्लोरो यूज करेंगे आईपीएसी नाम में, इसके लिए हम क्लोरो यूज करेंगे, इसके लिए हम ब्रोमो यूज करेंगे और इसके लिए हम आयोडो यूज करेंगे। इस प्रकार हम साधारण नाम में एफसीएल बी आर आई के लिए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो और इस आई सॉरी आईपीसी नाम में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो का यूज करेंगे तथा साधारण नाम में फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड तथा आयोडाइड का प्रयोग करेंगे। और आर के स्थान पर हम एल्किल और उन एल्किलों के कार्बन की संख्या देखकर हम उसका आईपीसी नाम के आधार पर उन्हें हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड यूज करते हैं। और इस प्रकार हेलो एल्केन एक आईपीसी नाम है एल्किल हेलाइड का आरएक्स के लिए और साधारण नाम आरएक्स का साधारण नाम एल्किल हेलाइड यूज करेंगे, आरएक्स को हेलो एल्केन आईपीसी नाम में यूज करेंगे। इस प्रकार इसके हम बेसिक को समझ जाते हैं समझते हैं। इसी प्रकार हेलो एरिन हेलो हेलो के लिए एक्स होगा और एरिन के लिए एरिन एरिन बेंजीन जो है एक एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत आएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हम इसे हम एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत रखते हैं हेलो एरिन को। इस प्रकार एरिन हेलो एरिन की जो डेफिनेशन होगी हेलो एरिन एरिनो यानी बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एरिन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेंजीन होगी, इसके भी हेलोजन सिलेक्शन करा देंगे। यदि इसके स्थान पर हम Cl2 यूज करेंगे तो यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इस प्रकार हेलो एरिन हमें प्राप्त हो जाएगी HX यानी बेंजीन होगा, यह हेलोजन होगा और ये जो बना हमारा हेलो एरिन। इस प्रकार हम इस पूरे चैप्टर में हेलो एरिन बनाने की विधि, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे तथा हेलो एल्केन में हेलो एल्केन के अंतर्गत हम हेलो एल्केन बनाने की विधि और उनके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।